पाकिस्तान के ऊपर मार्च 2022 में ब्रह्मोस की मिसफायरिंग और रिसेंटली हुआ डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरूलकर के साथ हनी ट्रैप इंसिडेंट, इन दोनों में क्या कॉमन है? जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस लास्ट ईयर सिरसा के एयरबेस से पाकिस्तान में हुई ये मिसफायरिंग पाकिस्तान के लिए एक शॉकर थी, क्योंकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को ट्रैक नहीं कर पाए। साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जब रशिया ने यूक्रेनियन सिटी ओडेसा पर अटैक किया तो रशिया ने इस सिटी पर 7 ओनिक्स मिसाइल दागे, जिसमें से एक भी मिसाइल यूक्रेन नेटो के एडवांस इक्विपमेंट्स ट्रैक नहीं कर पाए, और इन्हीं ओनिक्स मिसाइल पर ब्रह्मोस भी बेस्ड है, जिसका आज पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए इतना डेस्परेटली आज पाकिस्तान ब्रह्मोस को डिकोड करने में लगा है, जिसके सामने पाकिस्तान का चाइनीज मेड HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम यूजलेस है। और इसी वजह से आपको इस तरह से हनी ट्रैपिंग केसेस इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, जहां ISI एजेंट्स ब्रह्मोस की इंफॉर्मेशन निकालने में लगे हैं।